हमारे देश की ज़्यादातर आबादी खेतीबाड़ी से जुड़ी है। वैसे तो खेतीबाड़ी को आसान बनाने और फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सी मशीनें बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन छोटे किसानों के लिए महंगी मशीनें खरीद पाना मुमकिन नहीं होता है और उन्हें खेती से जुड़े तमाम काम अपने हाथों से ही करने पड़ते हैं। खासकर बुआई का काम करते वक्त मेहनत और समय तो ज़्यादा लगता ही है, लेकिन इससे फसल की पैदावार भी कम हो जाती है। आंध्र प्रदेश के एक छात्र के शेषाद्री ने छोटे किसानों की इसी समस्या को समझा और अपने नवाचार की मदद से इसका हल खोज निकाला। देखिए विज्ञान वीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। कोंद्रू शेषाद्री आंध्र प्रदेश के पातापाले के रहने वाले हैं। उनके गांव में ज्यादातर लोग खेती करते हैं, जिससे वे कई तरह की मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गरीब और छोटे किसानों के लिए बड़ी मशीनें खरीदना संभव नहीं है और किराए पर उन्हें ये मशीनें महंगी लगती हैं। बिना मशीनों के खेतीबाड़ी करने में काफी समय लगता है, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी और फसलों के खराब होने से नुकसान होने का अंदेशा बना रहता है। ऐसे किसानों को देखकर शेषाद्री ने सोचा, क्यों ना कोई ऐसा नवाचार बनाया जाए जिससे किसानों को खेती करने में आसानी हो और इसमें उनका समय भी कम लगे। कई संशोधनों के बाद मैं इसकी कार्य क्षमता जानने के लिए खुले मैदानों में गया। ऐसा करने में मुझे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे जोड़ों का टूटना, पेंच का टूटना आदि। मैंने सोचा कि किसान को शारीरिक तनाव कम करके कृषि गतिविधियों को आसानी से करने के लिए एक नया साधन खोजा जाए। ऐसे नवाचार को बनाने के लिए शेषाद्री को काफी मेहनत करनी पड़ी। वो एक ऐसा नवाचार बनाना चाहते थे जिसका इस्तेमाल करने में किसी प्रकार के ईंधन या ऊर्जा का इस्तेमाल न हो और वो नवाचार से खेती बाड़ी के कई काम निपटाए जा सकें। ऐसे नवाचार को बनाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान तथा अपने शिक्षक की सहायता से शेषाद्री ने एक मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर टूल बना लिया। इस इनोवेशन को बनाने के बाद उसे ज्यादा सरल बनाने के लिए शेषाद्री और उनके शिक्षक ने इसमें लगातार सुधार किया और आखिरकार मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर टूल का अंतिम रूप बनकर तैयार हुआ। शेषाद्री अपनी क्लास का काफी एक्टिव स्टूडेंट है। वो खेती से जुड़े अपने आइडिया मेरे साथ डिस्कस करता है। इस नवाचार को पुरुष, महिला, बच्चे और बूढ़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लोहे की एक छड़ ली है, जिसे स्टेरिंग का आकार दिया गया है। इसके एक सिरे पर थ्रेड टाइप स्क्रू लगाया जाता है। एक पुरानी साइकिल जिसका पिछला पहिया सही सलामत हो और जिसमें स्प्रे बोतल और शावर की व्यवस्था की जा सकती हो, उसका इस्तेमाल किया है। लोहे के विभिन्न उपकरण बनाए जाते हैं, जिनकी कीमत लगभग 2,500 रुपए है। कोंद्रू शेषाद्री ने जो नवाचार बनाया है उसका नाम मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर टूल रखा है। इसको बनाने के लिए साइकिल के अगले पहिए और फ्रेम के साथ मॉडिफाई करके कुछ टूल्स जोड़े गए हैं। इसमें हैंडल को लगाया गया है, जिसके साथ साइकिल के व्हील को कनेक्ट किया गया है, जिसकी सहायता से इसे आगे पीछे किया जा सकता है। बिजाई के लिए इसमें हैंडल में ऊपर की तरफ एक स्कोप लगाया गया है, जिसको हैंडल से कनेक्ट एक पाइप से जोड़ा गया है। इसमें बीजों को डाला जा सकता है। कीटनाशक और पानी का स्प्रे करने के लिए इसमें ऊपर की तरफ एक वाटर टैंक को फिट किया गया है, जो स्प्रेयर के रूप में काम करता है। इस नवाचार को आगे पीछे चलाने से टैंक के अंदर दबाव बनता है, जिससे उसके अंदर मौजूद पानी इस टैंक से कनेक्ट नली की सहायता से स्प्रे हो जाता है।
बीज के जमीन में पड़ते ही उसे तुरंत पर्याप्त पानी मिल जाता है, जिससे शुरू में बीजों को अलग से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इस नवाचार की खास बात ये है कि इसमें लगे हैंडल को अलग करके उसमें एक अन्य उपकरण जोड़कर उसमें खरपतवार निकालने का काम लिया जा सकता है। बीजाई करने के लिए इसके हैंडल में अलग से एक उपकरण जोड़ा जाता है। इससे पता चलता है कि शेषाद्री का ये नवाचार बहु उपयोगी है। गाइड सर हैं। जब मैंने यह आइडिया अपने साइंस टीचर को बताया तो उन्होंने मुझे हर तरह से प्रोत्साहित और सपोर्ट किया। आखिरकार मैं इस नवाचार को बनाने में सफल हुआ। मैं भविष्य में वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मैं कृषि में नए नए आविष्कार कर सकता हूँ, जिससे किसानों का काम आसान हो जाता है। शेषाद्री को इस नवाचार के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक से सम्मानित किया गया है। शेषाद्री ने अपना ये नवाचार परीक्षण के लिए किसानों को उपलब्ध करवाया। किसानों ने अपने खेतों में इस नवाचार का उपयोग करके देखा और इसे काफी उपयोगी पाया। इस नवाचार से किसान अपने काम कम समय में निपटा सकते हैं। उपयोग में ये नवाचार उन्हें काफी आसान लगा। कई किसानों को ये यकीन है कि छोटे किसानों के लिए ये नवाचार बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी है। जो लोग बड़ी मशीनों का उपयोग नहीं कर सकते, उनके लिए तो ये नवाचार एक वरदान है। मैंने इस उपकरण को खास तौर पर अपने खेतों में इस्तेमाल किया है। इसे कई कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि छिड़काव करने में, खरपतवार हटाने में और बीज आदि बोने में। इसके इस्तेमाल से उत्पादन बढ़ता है और किसानों की समस्या कम होती है। इसकी कम कीमत के कारण सभी किसान इसे खरीद सकते हैं। मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर टूल जैसे नवाचार को बनाने के लिए शेषाद्री को काफी पसीना बहाना पड़ा। उन्होंने इस नवाचार में साइंस के साथ मैकेनिकल के ज्ञान का भी अच्छा उपयोग किया है। किसानों द्वारा उनका उपयोग किए जाने और इसकी प्रशंसा किए जाने से शेषाद्री को लगता है कि मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर टूल का भविष्य काफी अच्छा है। उन्हें यकीन है कि अपनी उपयोगिता के चलते आने वाले समय में उनका ये नवाचार बहुत जल्द मार्केट में उपलब्ध होगा। आंध्र प्रदेश के शेषाद्री ने एक मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर टूल का नवाचार बनाया है। इस उपकरण की सहायता से किसान भाई निराई गुड़ाई बिजाई और खरपतवार नियंत्रण का कार्य बहुत सुगमता से कर सकते हैं। वहीं इसमें स्प्रेयर की व्यवस्था है, जिसकी सहायता से किसान आसानी से कीटनाशकों का छिड़काव भी कर सकते हैं। और एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, क्योंकि ये मैनुअली ऑपरेटेड है, इसमें डीजल पेट्रोल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे किसानों का जो अतिरिक्त खर्चा होता है वह भी बचेगा और डीजल और पेट्रोल के जलने से जो प्रदूषण होता है वह भी नहीं होगा। और एक इसकी बात यह है कि ये जो बड़े बड़े महंगे महंगे उपकरण हैं, कृषि उपकरण हैं, यंत्र हैं, उनकी तुलना में काफ़ी सस्ता है और इसको लोकल लेवल पर ही, गांव के लेवल पर भी आसानी से फैब्रिकेट किया जा सकता है। मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर टूल एक ऐसा नवाचार है जिसका फायदा आने वाले समय में किसानों को मिल सकता है। इसकी मदद से बीजों को उचित दूरी पर बोया जा सकता है, जिससे पौधों को सही मात्रा में खाद पानी मिल सकता है, जिससे फसलों को अच्छा पोषण मिलेगा और उपज अच्छी होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। जब फसल अच्छी होगी तो किसानों की आय बढ़ेगी और जब आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से किसान खुशहाल बनेगा। शेषाद्री ने इस मल्टीपर्पस एग्रीकल्चरल टूल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि इससे खेती से जुड़े कई काम एक साथ किए जा सकते हैं। इसे चलाने के लिए ना किसी ईंधन की जरूरत पड़ती है और ना ही बिजली की। इतना ही नहीं, इसे बनाने के लिए आने वाली लागत भी काफ़ी कम है और इसीलिए शेषाद्री को उम्मीद है कि आने वाले समय में उनका यह नवाचार छोटे किसानों के जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। विज्ञानवीर के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक और दिलचस्प नवाचार के साथ। तब तक विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।